नमस्कार साथियों, मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में हमारे यूट्यूब चैनल पे। पहले मेरे दो वीडियो आ चुके हैं, अपन ने उसमें अनुवाद प्रकरण नाम से एक टॉपिक स्टार्ट किया था। दो टॉपिक, उसके तीन लकार मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। मेरे हिसाब से काफी हेल्प मिली होगी, और जितने भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि फीडबैक मिलता रहे, लगातार फीडबैक मिलता रहे। अब देखिए, मैंने आपको अनुवाद प्रकरण नाम से एक टॉपिक स्टार्ट कराया था, जो संस्कृत का सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है, और मेरे हिसाब से सबसे ईजी भी यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम नियम है वो इसी टॉपिक के अंदर, सिर्फ चार नियमों पर टॉपिक निर्भर करता है। साधारण से नियम है, जैसे आपने नाइन्थ के अंदर धातु रूप पढ़े हैं, बस एक धातु रूप के पांच लकार अगर आपको याद हो और ये चार नियम याद हो, तो इस टॉपिक को आपको आसानी से आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में, ये टेंथ के एग्जाम में चार नंबर का ये टॉपिक आता है, चार नंबर के क्वेश्चन आएंगे, चार नंबर में ऐसे हिंदी में सेंटेंस दे रखे होंगे, उनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। चार टॉप नंबर का टॉपिक है, पांच लकार है आपके पास में, उन्हीं पांच लकारों पर ये टॉपिक निर्भर करता है। पांच लकार है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। पांचों के मैं आपको पहले अर्थ बता चुका हूं, तीन लकार मैंने आपको कराए थे लास्ट वीडियो में, तीनों के फिर मिक्स में एग्जाम्पल भी कराए। मैंने आपको ये भी कहा, जितने आप खुद एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, कोई भी व्याकरण का टॉपिक आप सॉल्व करो, जितने आप खुद एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा क्लियर होता है। तो इसके अंदर मैंने आपको लकार पहले करा चुका हूं, तीन लकार, लट लकार। लट लकार का मींस वर्तमान काल। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं इस टॉपिक को, ताकि ये जो अब मैं आगे टॉपिक रहूं इसमें ये जुड़ जाए। वर्तमान काल, लट लकार का मींस होता है वर्तमान काल। इसकी मैंने आपको पहचान बताई, रहा है, रही हैं, रहे हैं। फिर दूसरा अपने जो लिखना है वो है लिट लकार। लिट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। लिट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल। इसकी मैंने आपको पहचान बताई, गा, गी, गे, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको लकार समझाया था, लंग लकार। लंग लकार का मींस होता है भूतकाल, लंग लकार का मींस होता है भूतकाल, यानी कि जो कार्य बीते हुए समय में, जो कार्य अभी चल रहा है वर्तमान काल, लट लकार, जो कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, लिट लकार भविष्यत काल, और जो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है वो लंग लकार भूतकाल। अब इसके अंदर इसकी पहचान होती है था, थी, थे। तो ये तीन लकार मैंने आपको समझाए, इनके मैंने मिक्स में एग्जांपल भी कराए। अब इसके बाद में जो नया आपके लकार आता है वो है लोट लकार। लोट लकार का मीन्स होता है आज्ञार्थक। जब किसी को किसी कार्य के लिए कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दी जाए, उसके अंदर जो अपना नेक्स्ट लकार है वो प्रयोग होगा लोट लकार। तो इसके लिए अपन ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोट लकार। लोट लकार का मीन्स आज्ञार्थक। इन सेंटेंसों में आपको सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मिक्स में एग्जांपल सॉल्व करोगे, मैं बार बार एक ही चीज पे कह रहा हूं कि जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करो, सबसे पहले आप क्रिया पे जाओगे, क्रिया के आधार पर आपको ये देखना है कि उसमें कौन सा लकार प्रयुक्त होगा, क्योंकि लकार अगर आपको पता चल गया तब ही आपका सेंटेंस सही होगा। क्योंकि अगर आपका सेंटेंस है लट लकार वर्तमान काल का, उसके अंदर आप क्रिया लगा रहे हो लिट लकार की, तो सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा। तो अपना लोट लकार आज्ञार्थक, जब किसी को किसी कार्य के लिए आज्ञा दी जाए तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा, तुम सब अपने घर जाओ,
तुम सब अपने घर जाओ। तो ये एक तरह से क्या होगी, आज्ञा होगी कि तुम सब अपने घर जाओ, तो ये आज्ञा होगी। और आज्ञा अर्थक में कौन सा लकार प्रयोग होता है, लोट लकार का। तुम सबको संस्कृत में कहते हैं यूयम, अपने को कहते हैं स्व, घर को कहते हैं ग्रहम, तो स्वग्रहम। अब जाना की धातु, मैंने आपको बताया गच, आपने एक चीज नोट की होगी कि लगभग लगभग जो भी अपन सेंटेंस पढ़ रहे हैं उन्हीं धातुओं का लगभग प्रयोग हो रहा है। तो आपको मैंने 8 से 10 धातुएं लिखाई है, आप उन धातुओं को याद कर लीजिए। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको लिखा है पट, पट धातु का मीन्स होता है पढ़ना, लिख, लिखना, वद, बोलना, क्रीड, खेलना, गम, जाना, आ प्लस गम, आना। तो ये मुख्य रूप से ये कुछ धातुएं हैं जो आपके इन सेंटेंसों में आपकी हेल्प करती है। जाना की धातु होती है गम। अब यूएम के अंदर क्या आ गया, देखिए नियमों पे आप आ जाइए। यूएम के अंदर मध्यम पुरुष बहुवचन, नियम वही है। देखिए पहला नियम ये कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए, सेम क्रिया और पुरुष, कर्ता और क्रिया में होना चाहिए। दूसरा नियम अहम, आवाम, वयम, इसमें उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। त्वम, युवाम, युयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, बाकी इन सब के अलावा प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो अब देखिए युयम स्वग्रहम, अब युयम के अंदर मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसका मैं आपको एक रूप लिख देता हूं जिससे आपको इस सेंटेंस को समझने में और आसानी रहेगी। जैसे एक चीज और ध्यान रखें, इसके किसी भी शब्द के पीछे, लोट लकार के किसी भी शब्द के पीछे रूप में विसर्ग नहीं लगता है। रूप इसका चलता है प्रथम पुरुष में, जैसे वद धातु का लिख देता हूं वदतु, वदताम, वदन्तु। एक धातु रूप के अगर आपने 5 लकार याद कर लिए तो आप ये समझ लीजिए लगभग जितनी भी धातु रूप आपके प्रयोग होती है वो सब आपने याद कर ली। वदतु, वदताम, वदन्तु। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष ये कहता है वद, वदतम, वदत, वद, वदतम, वदत। फिर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष ये कहता है वदानी, वदाव, वदाम। देखिए आपने एक चीज नोट की होगी, इसके किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग नहीं लगता है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है। यूयम स्वग्रहम, अब यूयम में लगा मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा, वदत, और अपना जो धातु है जाना गच, तो वद की जगह गच्छ रख दो, पीछे बचा तो वर्ड क्या बन गया, गच्छत। अब देखो कोई सा भी शब्द हो, अब कोई सी भी धातु उसका रूप बनाना है, मान लीजिए वदानी की जगह अपने को पट का बनाना है, तो इसकी मूल धातु है वद, अपने रख दीजिए इसकी जगह पट, आ की मात्रा बची और नी, तो पठानी। मान लीजिए वदाम, इसकी जगह अपने को बनाना हस धातु का, तो इसकी जगह हस रख दीजिए, हस, आ की मात्रा और म, हसाम। एक धातु रूप याद होने से आपके जितने भी धातु रूप है वो लगभग याद हो जाते हैं, आपको एक एक रूप को रटना नहीं पड़ेगा। यूयम स्वग्रहम, मध्यम पुरुष बहुवचन में वदत, अपने हैं जाने का धातु, तो आ जाएगा गच्छत। तो ये सेंटेंस हो गया यूयम स्वग्रहम गच्छत। जैसे जरूरी नहीं कि आज्ञा दूसरों के लिए दी जाए, सेंटेंस आ गया हम सब पत्र लिखें, हम सब पत्र लिखें, तो ये खुद के लिए भी क्या होगी आज्ञा। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा मैं बोर्ड के ऊपर लिखूं, तो ये खुद के लिए क्या होगी आज्ञा होगी। जरूरी नहीं है कि आज्ञा किसी और को दी जाए। अगर अपन खुद को भी किसी काम के लिए कहते हैं या करने का मानस बनाते हैं तो खुद के लिए भी एक आज्ञा होगी। तो ये सेंटेंस आ गया हम सब पत्र लिखें, तो ये खुद के लिए भी क्या होगी आज्ञा। तो हम सब संस्कृत में बोलेंगे वयम, पत्र को बोलते हैं पत्रम। अब लिखना, लिखना की धातु लिख, वयम में देखिए नियम क्या कहता है, वयम के अंदर उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में देखिए यहां पर क्या आ रहा है वदाम, अपने को किसका बनाना है लिख का,
तो वद धातु की जगह अपन क्या रख देंगे, लिख, तो शब्द बन जाएगा लिखा। तो वयम पत्रम लिखा, ठीक है। जैसे किसान खेत में जाए, किसान खेत में जाए, तो ये किसानों के लिए क्या होगी, आज्ञा। देखो मैंने कहा आप सब विद्यालय जाओ, तो ये आपके लिए क्या होगी, आज्ञा। अब ये कहा किसान खेत में जाए, तो ये किसानों के लिए क्या होगी, आज्ञा। जहां पर आज्ञा का भाव चलकेगा, आज्ञार्थक सेंटेंस आएगा, उसमें लकार का प्रयोग होगा, लोट लकार। तो किसान को कहते हैं कृषक। अब देखिए वचन पे आ जाए, जाए तो बहुवचन हो गया, कृषक कहा, खेत को कहते हैं क्षेत्रम, कृषक कहा क्षेत्रम। अब देखो मैंने आपको कहा कि अहम आवाम वयम में उत्तम पुरुष, त्वम युवाम युयम में मध्यम पुरुष, बाकी सब में ही प्रथम पुरुष आएगा, तो कृषक प्रथम पुरुष आएगा। अब कृषक कहा बहुवचन शब्द हो गया, तो बहुवचन प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में देखिए वदन्तु, अपने किसका रूप बनाना, जाना की धातु गम, रूप चलेगा गस से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, गच्छन्तु। तो सेंटेंस बना कृषक क्षेत्रम गच्छन्तु। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको सेंटेंस को मिटा रहा हूं। अब देखिए सेंटेंस में पहला मैंने आपको एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए पहला मैंने आपको समझाया मध्यम पुरुष का उदाहरण, तुम सब अपने घर जाओ, तो ये एक आज्ञा होगी। तुम सबको संस्कृत में कहते हैं यूयम, अपने को कहते हैं स्वग्रहम। अब जाना की धातु अपना स्वघर को ग्रहम, स्वग्रहम, जाना की धातु गम। अब यूयम के अंदर क्या लगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसलिए इसमें आ गया गच्छत। फिर है हम सब, अब आ गया आपके सामने उत्तम पुरुष का सेंटेंस, हम सब पत्र लिखें। मैंने आपको बताया कि आज्ञा किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए के अगर अपन कोई बात कहें तो वो खुद के लिए भी एक तरह से आज्ञा होती है। हम सब पत्र लिखें, हम सब को संस्कृत में बोलते हैं वयम। पत्रम लिखना की धातु होती है लिख। वयम में देखिए उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन में देखिए क्या रहा, वदाम, अपने को लिखना है लिख का, तो वद धातु की जगह आप लिख लिख दीजिए, आ की मात्रा बची और मा बता, मा बचा, तो इसमें बन जाएगा लिखम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके आ गया प्रथम पुरुष का, किसान खेत में जाए, तो किसान को कहते हैं कृषक, किसान बहुवचन है क्योंकि, तो कृषक खेत को क्षेत्रम। अब जाना की धातु क्या होती है गम, रूप चलेगा गस से, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन लगा। प्रथम पुरुष के बहुवचन में देखिए रूप में आ रहा वदन्तु, अपने को किसका बनाना है गच का, तो यहां पर आ जाएगा गच्छन्तु। तो कृषक क्षेत्रम गच्छन्तु, ये सेंटेंस बन गए। तो मेरे हिसाब से लोट लकार समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक दो सेंटेंस और समझा देता हूं जिसे एकदम क्लियर हो जाए आपके। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि छात्र पाठ याद करे, तो ये देखिए सेंटेंस कह रहा है छात्र पाठ याद करे, तो ये छात्रों के लिए क्या होगी, आज्ञा होगी। तो अब छात्र को बोलेंगे छात्रः। अब देखिए ये भी याद करे, तो बहुवचन शब्द हो गया, बहुवचन में छात्रः। अब देखिए पुलिंग के अंदर आपको मैं एकदम इजी पैटर्न बताता हूं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का। पुलिंग के अंदर अगर पुलिंग शब्द हो, अगर एक वचन का बनाना है उसके पीछे विसर्ग लगा दो, जैसे बालक वाला रूप चलता है वैसे ही, और द्विवचन का बनाना हो उसके ऊपर बड़ा ओ की मात्रा लगा दो, और बहुवचन का बनाना हो आ की मात्रा प्लस विसर्ग लगा दो। जैसे छात्र शब्द है, छात्र एक वचन में छात्र है, इसके पीछे विसर्ग लगा छात्र, और इसी को अपने द्विवचन में बनाना, मैंने आपको क्या कहा कि इसके ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन गया छात्रऊ। अब इसी को अपने को क्या बनाना है, बहुवचन का मूल शब्द क्या है छात्र,
मूल शब्द छात्र के पीछे क्या लगी, आ की मात्रा प्लस विसर्ग, तो ये बन गया छात्रः। तो छात्रः, छात्रौ, छात्रः, ये रूप चल गया पुलिंग के अंदर। तो ये छात्रः पाठ, पाठम, याद करना की धातु, एक नई धातु आपके सामने ये है स्मर, स्मर मिस होता है, याद करना, लिख लीजिएगा, नई धातु है ये छात्रः पाठम। अब याद करना की धातु हो गई अपने सामने स्मर, अब छात्रः में कौन सा पुरुष और वचन लगेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहां पर देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या रहा है, वदन्तु, अपने स्मर धातु का है तो क्या आ जाएगा, स्मरन्तु। समझ आया मेरे हिसाब से, छात्रः पाठम स्मरन्तु, जैसे तुम सब वहां बैठो, एक नई धातु और समझा देते हैं, तुम सब वहां बैठो। अब तुम सबको संस्कृत, आप देखिए ये क्या होगी, मैंने कहा तुम अपनी बेंच पर बैठो तो ये क्या होगी, आज्ञा होगी, तुम सब वहां बैठो तो ये आज्ञार्थक सेंटेंस हो गया। तुम सबको संस्कृत में बोलते हैं यूयम, वहां अव्यय पद आ गया, वहां को बोलते हैं तत्र, बैठना, बैठना की धातु लिख लीजिए स्था, मूल धातु होती है, इसका रूप चलता है तिष्ठ से, एक नई धातु है आपके लिए, मूल धातु है स्था, रूप चलता है इसका तिष्ठ से। तो यूयम के अंदर क्या चलेगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन, नियम पे आ जाए देखिए, इसीलिए मैं नियम आपके सामने रखता हूं, ताकि नियम और रूप दोनों आपके सामने रखता हूं ताकि सेंटेंस आपके लिए इजी हो जाए। यूयम में मध्यम पुरुष बहुवचन, अब रूप पे आ जाइए देखो, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, वदत, और अपने रूप चलाना है तिष्ठ का, तो वद की जगह रखा तिष्ठ, पीछे बचा त, तो वर्ड बन गया तिष्ठ। तो ये हो गया आपके यूयम तत्र तिष्ठ। कुछ नहीं करना, आप एक एक वर्ड का अर्थ रखते जाओ, छात्र पाठ याद करें तो छात्रः, पाठ का पाठम, याद करना की धातु होती स्मर, छात्रः में आ जाएगा आपके प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी बहुवचन, तो स्मरन्तु। फिर तुम सब वहां बैठो, तुम सब को संस्कृत में बोलेंगे यूयम, वहां को तत्र, अब बैठना की धातु तिष्ठ, और यूयम में लग गया मध्यम पुरुष बहुवचन तो तिष्ठत। तो ये आपके हो गया लोट लकार आज्ञार्थक सेंटेंस। चार लकार मैंने आपको समझा दिए, लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, और लोट लकार आज्ञार्थक। इसके बाद में जो अनुवाद प्रकरण का अंतिम लकार है वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मीन्स होता है सही अर्थ में, जब इसकी सबसे इजी पहचान है कि ये अपने साथ में पहचान का एक वर्ड लिए हुए आता है, इसकी पहचान ही इस शब्द से होती है, चाहिए शब्द से। जहां पर चाहिए शब्द आ गया उसमें हमेशा विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, ठीक है, इसकी पहचान मैंने आपको बता दी। चाहिए एक रूप लिख देता हूं इसका, जैसे हस्य धातु का विधिलिंग लकार लिखा तो प्रथम पुरुष में आएगा हर्षित। इसकी पहचान यह होती है कि इसके हर शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आती है, विधिलिंग लकार में हर शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, तो हर्षित, हर्षिताम, हर्षे युहु। मध्यम पुरुष हसी ही, हसे तम, हसित। प्रथम पुरुष हो गया हसित, हसिताम, हसेयुहु। मध्यम पुरुष हो गया हसी ही, हसितम, हसित। और उत्तम पुरुष हो गया हसे यम, हसेव, हसीन। ये विधिलिंग लकार रूप हो गया। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए, जैसे सेंटेंस आ गया सीता को
भोजन पकाना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अपन कोई भी अनुवाद प्रकरण का टॉपिक सॉल्व करेंगे तो कहां जाना है अपने, सबसे पहले क्रिया के ऊपर। तो क्रिया पे गए, चाहिए है, चाहिए मैं आपको पता है लकार लगेगा विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार, अब सीता स्त्रीलिंग शब्द है, एक प्रथमा विभक्ति, कोई विसर्ग नहीं लगा। सीता भोजन को कहते हैं भोजनम। पकाना, पकाना की धातु होती है पच, पच मीन्स पकाना। तो पच धातु की करता है प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इन दो के अलावा चाहे किसी का नाम आ जाए, नाम में भी कौन सा पुरुष लगेगा, प्रथम पुरुष। तो सीता प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए यहां पर आ जाए, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आया हुआ है, हर्षित। अपने को किसका रूप बनाना है, पच का। तो इस हर्ष धातु की जगह अपन ने रखा पच। देखिए रूप बनाना बता देता हूं इसका भी, रूप धगा हर्ष धातु की जगह अपन ने रख दिया पच। क्या बचा, एक की मात्रा और त, तो वर्ड बन गया पचेत। तो सीता भोजनम पचेत, समझ आया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सबको यहां खेलना चाहिए, हम सबको यहां खेलना चाहिए। अब देखिए आप क्रिया पे जाइए, क्रिया में आ गया चाहिए, चाहिए जहां पर आ जाता है मैंने आपको बता रखा है कि वहां पर सेंटेंस बनेगा विधिलिंग लकार का, क्योंकि चाहिए पहचान होती है विधिलिंग लकार की। हम सब को संस्कृत में बोलते हैं वयम। यहां, यहां मतलब अत्र। खेलना की धातु मैंने आपको बता रखी है क्रीड। वयम में कौन सा पुरुष और वचन लगेगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब देखिए यहां पर आ जाइए, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या लग रहा है, हसीम। अपने को किसका रूप बनाना है, खेलना। खेलना की धातु होती है क्रीड। तो हर्ष धातु की जगह अपन क्या रख देंगे, क्रीड। तो रूप क्या बन गया, क्रीडेन। वयम अत्र क्रीडेन, समझ आया, वयम अत्र क्रीडेन। जैसे तुम्हें प्रतिदिन यहां आना चाहिए, तुम्हें यहां प्रतिदिन आना चाहिए। क्रिया कह रही है चाहिए, चाहिए यानी कि विधिलिंग लकार। देखिए सबसे इजी पहचान इसी लकार की है, क्योंकि अपने आप में पहचान वाला शब्द लेकर आता है। तुम्हें को संस्कृत में लिखेंगे त्वम। प्रतिदिनम अत्र आना, मैंने आपको बताया जाना की धातु गम, आना में आ प्लस गम। तो त्वम में कौन सा पुरुष और वचन लगेगा, त्वम में लगेगा मध्यम पुरुष एक वचन। देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में यहां पर हसे और अपना रूप है आ प्लस गम का, तो यहां आ जाएगा आ गच्छे, समझ आया। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, फिर मैं इसके और आपको सेंटेंस समझा रहा हूं। देखिए एक बार रिवाइज करा देता हूं, इसकी पहचान होती है चाहिए। जहां पर यह शब्द आ गया चाहिए शब्द, उसमें हमेशा विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस है सीता को भोजन पकाना चाहिए, तो सीता, सीता भोजन को कहेंगे भोजनम। पकाना की धातु पच, अब सीता में लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में आ गया पचेत। एक धातु रूप आपने याद कर रखा है, उसके आधार पर आपके सेंटेंस इजीली बनते जाएंगे। हम सबको यहां खेलना चाहिए, हम सबको लिखेंगे वयम। यहां को अत्र, खेलना की धातु होती है क्रीड। वयम में आएगा उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष के बहुवचन में देखिए रूप में आ रहा हर्ष हसीम, और अपने रूप बनाना है क्रीड का, तो यहां आ जाएगा क्रीडेम। फिर तुम्हें प्रतिदिन यहां आना चाहिए, तुम्हें को बोलेंगे त्वम। प्रतिदिनम यहां का अत्र,
अब देखो आना जाना के लिए गम, आना के लिए आ प्लस गम, तो त्वम में लगेगा मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन है हस्य है, यहां आ जाएगा आगच्छे है। क्लियर। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस आ गया, बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसकी पहचान इजी पहचान है, वही शब्द बार बार रिपीट होगा, चाहिए शब्द जहां पर चाहिए शब्द आ जाए विधिलिंग लगकर, जैसे छात्र को बोलना नहीं चाहिए। जैसे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, छात्र को बोलना नहीं चाहिए, तो यहां पर ये बोलना नहीं चाहिए एक वचन सेंटेंस है, तो एक वचन में छात्र बोलना की धातु होती है वद, नहीं मा, और बोलना की धातु में वद, छात्र के साथ प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है, देखिए क्या आ रहा है वदेत, सॉरी असेत, अपने को बढ़ाना है वद का, तो छात्र मा वदेत। जैसे हम सबको हंसना चाहिए, हम सबको हंसना चाहिए, हम सबको चाहिए जहां पर आ गया विधिलिंग लकार लगेगा, हम सब वयम हंसना की धातु हस, वयम में उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में देखिए क्या आ रहा है हस, रूप भी लिखा हुआ है मेरे सामने, तो वयम हसीम। तो ये देखिए आपके जो अनुवाद प्रकरण टॉपिक है वो मेरे हिसाब से आपका अच्छे से क्लियर हो गया। पांच लकार होते हैं, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, और लास्ट विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। और इन सब की मैंने आपको अच्छे से पहचान बताई है, आप इन पहचान को याद कीजिए। अब पहले आप इसका प्रैक्टिस करने का आपको पैटर्न बता रहा हूं, एक एक लकार आप अच्छे से तैयार कीजिए, फिर मिक्स में आप इनके एग्जांपल लिखिए। मेरे हिसाब से आप 30 से 35 एग्जांपल अगर आप मिक्स में लिख के तैयार करते हो और फिर आप मैच कराइए कि आपने कितने आंसर सही किए, तो उसमें आपको जैसे 35 एग्जांपल किए, 35 में से अगर आपके 33 34 एग्जांपल तक सही होते हैं तो लगभग आपका टॉपिक तैयार है। तो ये टॉपिक आप समझिए। अब वीडियो आपने देखा, मेरे तीन वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और मुझे अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर वापस मुझसे क्लियर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए।